भी चला चल रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लिविंग विद साइली। आज मैं जा रही हूँ बाहर एक रोड ट्रिप पे, और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ, ये आपको थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। मार्शेस घाट पुणे और कल्याण से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। मॉनसून के दौरान यहाँ के हरे भरे पेड़ और ठंडक का एहसास आपके आनंद को कई गुना बढ़ा देगा। आज हम इसी रास्ते पर करने वाले हैं एक छोटी सी रोड ट्रिप। हमें जाना है तिप्ती गांव, जो काड़ू वाटरफॉल का बेस लोकेशन है। तो चलिए मेरे साथ लीजिए इस रोड ट्रिप का मज़ा खूबसूरत लोकेशंस और एक सुंदर सनसेट के साथ। हम तिप्ती विलेज जा रहे थे करजत से, इसलिए हमने मसा इस गांव से गोरखगढ़ होते हुए सरल गांव और टोकावड़े वाला रूट लिया। यहाँ से हम लगभग 1.5 घंटे में पहुँचे तिप्ती विलेज। रोड ट्रिप का असली मज़ा है बाइक पर। शाम का वक्त था, सूरज की किरणें एक मधुर लय में रास्ते को छू रही थी। रास्ते में गांव के भोले भाले लोगों को अपने दैनंदिन कार्य कर घर लौटते हुए देखा। सच कहूँ तो ये सरलता मुझको भा गई। दुनियादारी से दूर, सरलता से भरपूर गांव की ये साधारण जीवन शैली, ऐसा लगा यही है वो सुकून जो आजकल शहर का हर आदमी ढूंढ रहा है। एक दिन मैं यूं ही निकल पड़ी सफ़र पे। इन अजनबी रास्तों ने मुझे अपना बना लिया। अब जाना है मैंने ज़िंदगी क्या है, इन अनजान रास्तों पर जीने का तरीका आ गया। इस आवारापन में जो नशा है, धीरे से चढ़ते हुए ये मलंग बना गया। धीरे से चढ़ते हुए ये मलंग बना गया। जिधर हमको जाना है वो कुछ ही किलोमीटर दूर है, और तब जाके उसको मैप्स चेक करना है। मैं आला कहाँ? सावरने गांव से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मार्शेस घाट चढ़ने से ठीक पहले दिखेगी आपको एक हरी कमान। यहाँ हरिश्चंद्रगढ़ जाने की जानकारी का बोर्ड लिखा होगा। वहां से सीधा अंदर जाने पर ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर है तिप्ती गांव। आज मैं मिलने आई हूँ साबड़े आजोबा को। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं कहूँगी मुझे मेरा गांव लौटा दो। कई यादें बसी है यहाँ मेरी। यहाँ की मिट्टी में बसी है मेरे दादी की कहानियाँ। झूले झूलते हुए मेरी सहेली के साथ की हुई लड़ाइयाँ, पहाड़ों के बीच खुले आसमां में तारों की जगमगाहट के नीचे ली हुई अंगड़ाइयाँ, जवानी में काम के सिलसिले में शहर जाते हुए मेरे गांव के रास्तों से की मैंने रुसवाइयाँ। कोई मुझे पूछेगा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं कहूँगी गांव लौटा दो मेरा। यहाँ बसती है मेरे बचपन की निशानियाँ। यहाँ बसती है मेरे बचपन की निशानियाँ। ऑफ रोडिंग करते हुए गांव से हम चले जंगल की ओर। वहाँ जाके हमने देखा एक अनोखा एडवेंचर कैंप। रोजगार का साधन इस एडवेंचर कैंप के तरफ जाने का रास्ता थोड़ा पेचीदा था,
पर उसके मुकाबले बहुत सुंदर था यहाँ से दिखने वाला नज़ारा। मार्शेस घाट के गर्भ में रोहिदासगढ़ के ठीक नीचे स्थित एक बेहद खूबसूरत स्पॉट मैंने एक्सप्लोर किया। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं थितबी गांव में, जो है मालशेज घाट के बिल्कुल ही नीचे। अगर आपने मेरा भैरवगढ़ का वीडियो देखा होगा तो उसमें जिनके साथ मैंने रैपलिंग की थी, साबड़े अजोबा, उनका ये गांव है। और उन्होंने आज मुझे एक बहुत ही बढ़िया जगह पर लाया है। उनके गांव के अंदर जंगल में बिल्कुल एक एडवेंचर कैंप का सेटअप है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आकर, जो डायरेक्टली माउंटेन्स में जाकर एडवेंचर नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ आकर एडवेंचर प्रैक्टिस कर सकते हैं या सीख सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे सेटअप्स किए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ हम जा रहे हैं ये है क्लाइंबिंग वॉल, यहाँ पर वो लोग क्लाइंबिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से नीचे वो लोग जिप लाइन कर सकते हैं इस वॉल के पीछे, वहाँ से वो लोग रैपलिंग करके नीचे आ सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी छोटी छोटी एडवेंचर और फन एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सेटअप है ये। ये ऑपरेशनल नहीं है, पर अगर आप बुकिंग्स करना चाहते हैं तो मैं नंबर यहाँ पर मेंशन करूँगी, और आप लोग 10 या 12 के ग्रुप में बुकिंग्स करके यहाँ पर आकर इस जगह का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए अच्छे रूम्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। अजोबा कह रहे थे कि लॉकडाउन के कारण यहाँ का कंस्ट्रक्शन और सेटअप थोड़ा बाकी है, पर जल्द पूरा करने की कोशिश है। यह जगह MTDC के वेबसाइट पर मेंशन्ड है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, आप जाने से पहले एक बार देख लेना। आज के लिए इतना ही, पर आप मज़ा लीजिए इस सुंदर सनसेट का। आपको ये रोड ट्रिप वाला व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।